पता, पता करना है कि करंट ड्राउन फ्रॉम द सोर्स यानी कि इस लाइन में करंट कितना है यानी कि वो सोर्स से करंट कितना लिया जा रहा है तो जनरल हम फॉर्मूला लिखे हैं जो वोल्टेज का होता है इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी ये होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज का इक्वेशन और जो करंट का जनरल फॉर्मूला होता है आईजिकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है अब यहाँ पे है ये दोनों के लिए हो इवेटर के लिए भी और कैपेसिटर के लिए भी ये हमारा पीक करंट है अब ये जो गिवन गिवे ना यहाँ पे 0.8 पॉइंट एट एल का जो है 0.8 पॉइंट है वो इसका आर करंट है तो उसका अगर क्वेश्चन लिखना चाहें तो एल का अगर हम सिंपली केवल एल का लिखें तो ये आई आर एम एस है जीरो पॉइंट एट एम्पियर तो पीक करंट कितना होगा आई नोट होगा हमारा जीरो पॉइंट एट इन टू रूट टू

अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें इसका इंडक्टर का इंडक्टर का इधर लिखते हैं तो क्या होगा I1 वन इज इक्वल टू आई नॉट यानी कि जीरो पॉइंट एट रूट टू साइन ओमेगा टी प्लस अब यहाँ पे जो करंट होता है वो करंट वोल्टेज से ध्यान देने वाली बात है कि इंडक्टर में करंट पाई बाई टू यानी कि नाइन्टी डिग्री लैग होता है यानी कि नाइन्टी डिग्री पीछे होता है वोल्टेज से तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस माइनस पाई बाई टू यानी कि फाइव जो होगा फेस डिफरेंस वो माइनस पाई बाई टू होगा पीछे होगा और वहीं कैपेसिटर के केस में लिखेंगे अगर आई टू इज इक्वल टू आई नॉट यानी टू जो होता है यानी करंट जो होता है कैपेसिटर में वो वोल्टेज से आगे होता है पाई बाई टू यानी कि प्लस पाई बाई टू उसके फेज होता है वो लीड करता है करंट लीड करता है वोल्टेज को तो ये दोनों तो इक्वेशन मिल गए तो अब क्योंकि अगर ये टोटल करंट है हमारा I नेट यानी कि सोर्स से जो करंट जा रहा है हमारा जो कि हमें पता करना है तो I नेट को क्या लिखेंगे I नेट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू क्योंकि ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो आई वन प्लस आई तो आई वन का वैल्यू क्या होगा 0.8 पॉइंट एट तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी और आई यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा इसका so, जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा जीरो पॉइंट सिक्स रूट टू इन टू हमारा होगा, सिंपली कॉस ओमेगा तो फाइनली नेट क्या आएगा हमारा आई नेट कल टू जीरो पॉइंट रूट टू माइनस जीरो पॉइंट रूट टू आएगा हमारा जीरो पॉइंट टू रूट टू कॉस ओमेगा टी तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा करंट का जो कि सोर्स से लिया जा रहा होगा तो सोर्स से जो करंट पास हो रहा है वो है आई नेट यानी कि जीरो पॉइंट टू रूट टू को सो यहाँ पीक वैल्यू अगर इसका देखें यानि कि आई पीक वो कितना है जीरो पॉइंट टू रूट टू जीरो हमें अगर आई आर एम एस चाहिए आई आर एम एस इसका हमें अगर हमें चाहिए तो क्या करना होगा आई पीक को डिवाइड करना होगा आई पीक डिवाइडेड बाई रूट टू ये रिलेशन होता है तो जीरो पॉइंट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू इजिकल टू हमारा आएगा जीरो पॉइंट 2 एंपियर ये करंट पास हो रहा है आरएमएस करंट पास हो रहा है सोर्स से तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 0.2 एंपियर क्लास 6 टू ट्वेल्थ से लेके नीट आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटा ऐप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 840040040 पर